चले, अगर अपन 6.4 को कंटिन्यू करते हुए ट्राइंगल्स की, ठीक है ना, 6.4 ट्राइंगल्स क्लास 10 को कंटिन्यू करते हुए आपको बोला है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, बोले इन्होंने कि दो ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर में 4 से शुरुआत करना चाहूंगा आपकी, तो एक ए बी सी है और आपकी और मेरी बात माने, दूसरा तुम्हारे पास क्या है P, Q और R, तो सर एक आपके पास A, B, C है और सेकेंड आपके पास क्या है P, Q, R. If areas of two similar triangles, areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. अब सर ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने बोला अगर एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर निकालें, जबकि ये बात खुद ही बोल रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर है, ऐसा हमको प्रूफ नहीं करना है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये है, तो हमने बोला अगर ये ऐसे हैं तो इसका मतलब एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू कितना आपके पास, पर इज इक्वल टू वन क्यों आएगा बताता हूँ मैं आपको, पहले अपन डायरेक्टली वन नहीं लिखते, आपको बोला ये दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या है सेम, मतलब अगर इसका एरिया एक्स, इसका एरिया कितना है एक्स, तो नीचे वाले ट्राइंगल का भी एरिया कितना है एक्स, सो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल के रखा है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो सर इसका मतलब ऊपर भी कितना है एक्स और नीचे भी कितना है आपके पास एक्स, तो सर ऐसे केस में मुझे एक बात का तो अनुमान होता है सर, ये और ये क्या हो गया कट गया, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इन शॉर्ट अगर अपन सबका अंडर रूट भी निकालें तो आप बोल सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या है वन, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू भी कितना है और ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू भी क्या है वन वन, तो इसका मतलब आपके पास ये आ गया क्या, ए बी इज इक्वल टू कितना पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू कितना पी आर, तो सर इसका मतलब आप तो बोल रहे हो फिर ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे बाय व्हाट, एस एस एस, सर एक ही ट्रिक थी इस पूरे क्वेश्चन की, सर क्या थी, उन्होंने बोला भाई एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है मतलब ऊपर भी एक्स और नीचे भी क्या है एक्स, तो इसका मतलब ये सारे रेशियोस ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है वन, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू कितना पी आर, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो गया और ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया पी आर, तो सर ऐसे में अगर हम आपकी बात माने तो आप बोल सकते हो कि यस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस, चले अब अगर अपन बात करें, आपको बोल के रखा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर अपन लोग चल रहे हैं शायद 50 की तरफ, तो सर आपको क्या बोल के रखा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की बसात ये बोलती है कि भाई आपके पास क्या है डी ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी के, यहां से इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट है तुम्हारे पास कितना एफ, तो डी का मिड पॉइंट अगर अपन बात करें ए बी बी सी ई को अगर ये लोग नीचे मानते हो नीचे मान लेते अपन ई, ठीक है ना, तो ठीक है सर ये आपके पास ई हो गया और ये आपके पास हो गया एफ, तो डी ई एंड एफ
are respectively the midpoints of A, B, and C. Find the ratio of area of DEF and ABC. करने के बहुत तरीके. एक तरीका तो पहले जैसे मिड पॉइंट बोला तो अपन मान सकते हैं कि अगर डी भी मिड पॉइंट है, ए भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट, तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल. मतलब आप क्लियर बोल सकते हो कि एडी इक्वल टू डीबी इक्वल टू कितना एक्स ए बी इज इक्वल टू कितना ई सी इज इक्वल टू कितना वाई और ए एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू कितना सर ये बात सारी बातें आप मान सकते हो. मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं. सर एक और बात काफी कॉमन हो गई इन ट्रायंगल्स के अंदर, अगर अपन देखें तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ और कितना अगर हम बात करें ए बी सी. तो सर अगर अपन बहुत सिस्टमेटिक देखना चाहें कहीं ना कहीं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो डीएफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा ले, तो अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हो तो आपको बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी कि सर अगर डी मिड पॉइंट है और एफ क्या है मिड पॉइंट, तो डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज इक्वल टू कितना हाफ ऑफ बीसी. तो सर डीएफ पैरेलल टू बीसी भी है और हाफ ऑफ बीसी भी, तो सर ठीक है ना. अब सर बट ऑब्वियस सी बात है कि ये पैरेलल टू बीसी भी और क्या है हाफ ऑफ बीसी, वैसे ही आप क्या बोल दोगे डीई, क्या बोलोगे डी इज पैरेलल टू ए सी और डी इज इक्वल टू कितना हाफ ऑफ ए सी, सही है क्या. और सर वैसे ही आप क्या बोल दोगे अगर बात करें तो एफ ई इज यरे एफ एफ ई इज पैरेलल टू ए बी और एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए. सर अब इसमें एक बात अच्छी है, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे खुद बताओ डी एफ अपॉन में बीसी उधर भेज इज इक्वल टू कितना 1/2, इसको घूर के देखो अगर उस एसी को उधर भेज दो तो डीई अपॉन में एसी कितना 1/2. सर इसको नीचे भेज दो तो एफ ई अपॉन में ए बी भी कितना 1/2. क्या बात है सर, मतलब ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो क्या ट्राइंगल डी ई एफ is similar to triangle ABC by SSS by what SSS क्योंकि इसकी DF इसकी DF upon में उसकी क्या BC is equal to इसकी DE upon में उसकी क्या AC is equal to क्या इसकी FE upon में क्या उसकी AB. अगर यहां तक का तुम्हारे लिए क्लियर है, अगर यहां तक की बातें आपके लिए क्लियर हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये बात समझाना चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा. ट्रायंगल सिमिलर होगा ठीक है ना, तो इसका मतलब एरिया और इज इक्वल टू हैवी कितना हाफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, या उल्टा लिखते तो ज्यादा अच्छा, जो मैंने उल्टा पूछा कि सीधा पूछा. हाँ ठीक है ना, अभी तो तुमको सिर्फ इतना सोचना है कि इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, इन्होंने तो डीएफ ऊपर पूछा है ना, तो अगर अपन बोल दें एरिया ट्राइंगल डीईएफ अपॉन में एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर अपॉन में कितना बीसी का स्क्वायर, जबकि डीएफ अपॉन बीसी है ही कितना 1/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2. इसमें आपने कौन सी थ्योरम लगाई एरिया थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगाई सर, पट से आप हमको रिकैप करा दो इस पूरे क्वेश्चन को, तो मैं बच्चों को बोलूं देख भाई जैसे ही उसने क्वेश्चन के बारे में बोलना क्या चाहा कि तुम्हारे पास एक तरफ क्या था ए बी सी, दूसरी तरफ तुम्हारे पास अगर अपन बात करें तो क्या था तुम्हारे पास डी ई और एफ, डी और कहीं भी मतलब डी ई और एफ. हमने मिड पॉइंट थ्योरम से बोला भाई डी एफ इज इक्वल टू कितना होगी हाफ ऑफ बी सी, तो हमने बी सी को नीचे ले लिया तो डी एफ अपॉन में बी सी कितना हो गया 1/2.
फिर हमने बोला डीई इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ एसी। तो सर अगर आप डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या बता रहे हो, एसी, तो डीई अपॉन में एसी इक्वल टू कितना, 1/2। एफ ई इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो एफ ई अपॉन में कितना, ए इक्वल टू भी कितना होगा, हाफ। अगर यहां तक तुमको चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो रेशियो इक्वल मतलब ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर बाय व्हाट, एस एस एस। और एरिया थ्योरम क्या बोलती है कि ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। मैंने बोला देखो ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं इसको भी। सबसे पहले वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर, मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करके बताओ, अगर ए बी और सी, और अगर मैं बात कर लूं बी क्यू और आर, एक तरफ तुम्हारे पास क्या हो गया ए बी सी, और दूसरी तरफ आपके पास क्या हो गया पी क्यू आर, और इसका कोई मीडियन है ए डी यहाँ से, और इसका कोई मीडियन है अगर पी एम यहाँ से, तो एक तरफ तुम्हारा मीडियन क्या हो गया दोस्तों ए डी, और दूसरी तरफ मीडियन क्या हो गया पी एम। तो आपको आपको एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर अपॉन में कितना पी एम सी। सर देखो ये तो टू प्रूफ हो गई, मैंने बोला हाँ ये आपको टू प्रूफ करना है। अब इसके लिए मुझे है ना थोड़ा सा बस इतना सा काम चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं ये जान पाऊँ कि हमारे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल क्या है सिमिलर ट्राइंगल, अगर ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू कितना ए सी अपॉन में। सर क्वाइट ओके, क्वाइट सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने बोला हाँ मुझे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लग रही है। सर ये भी बोल सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू कितना है एंगल क्यू, मतलब आप ये भी लिख सकते हो ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सर ये भी ले सकते, मैंने बोला ठीक है थैंक यू। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सिर्फ छोटे छोटे ट्राइंगल को देखने की कोशिश करना, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, एंड ट्राइंगल वॉट ए बी डी एंड ट्राइंगल वॉट पी क्यू एम, इसकी ए बी अपॉन में उसकी कितना बी क्यू, इसकी ए बी अपॉन में इस वाले ट्राइंगल की बी, इसकी बी डी, बी डी मतलब क्या होती है हाफ बी सी, बी डी को बोल क्या सकते हो हाफ बी सी। तो सर अगर बी डी इक्वल है तो आधी बी सी और आधी क्यू आर भी इक्वल होगी, क्योंकि पूरी बी सी अपॉन पूरा क्यू आर इक्वल है, तो आधी बी सी मतलब बी डी और अपॉन में कितना क्यू एम, तो ए बी अपॉन में कितना पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में कितना क्यू एम। और सर ये तो ठीक है ही इक्वल, सर क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल था बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू आधी बी सी मतलब कितना बी डी और आधी क्यू आर मतलब कितना क्यू एम, इसके भी इक्वल ही था हाँ कि ना। तो ये दो साइड्स आपस में क्या हो गए प्रोपोर्शनल, और इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू क्या हो गया इक्वल। तो इसका मतलब क्या सर, ये छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, एस ए एस, सर छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में क्या हो गए सिमिलर बाय व्हाट एस ए एस, तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय व्हाट एस ए एस, बाय व्हाट एस ए एस।
सर बात तो अच्छी है, मैंने बोला हाँ साइड एंगल साइड सही है। तो ये ट्राइंगल आपस में कैसे सिमिलर हो गए, इससे सिमिलर हो गए। तो सर अगर ये ट्राइंगल SAS से क्या सिमिलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसा, अगर तुम अलाउ करो पहले समझ में ऐसे ऐसे कैसे हुए कि इसकी AB अपॉन में इसकी PQ अपॉन में इसकी BD इसकी QR, ये तो साइड हो गई और दोनों के बीच के एंगल आपस में पहले से ही क्या इक्वल, तो ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या AB अपॉन में PQ is equal to AD upon में PM, AB upon में PQ is equal to कितना AD upon में PM। अगर मैंने इतना बोल दिया तो मेरा गेम क्या चल जाएगा दोस्तों, आप मुझे खुद बताओ, एरिया ट्राइंगल ABC upon में कितना एरिया ट्राइंगल PQR is equal to बोल सकता हूँ क्या AB का स्क्वायर upon में PQ का स्क्वायर by what एरिया थ्योरम। सर कल से अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि अगर एरिया थ्योरम के हिसाब से कि ए बी सी अपॉन में कितना पी क्यू आर, ए बी सी अपॉन में कितना पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना ए बी का स्क्वायर अपॉन में कितना पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। अब ए बी अपॉन पी क्यू है किसके इक्वल, ए डी अपॉन पी एम, ए डी का स्क्वायर अपॉन में किसका पी एम का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर अपॉन में कितना सही है क्या। सर एक बार समझा दो फिर से फटफट क्वेश्चन में क्या हुआ, तो अगर क्वेश्चन का मसाला रिकैप करें तो क्वेश्चन का मसाला सिर्फ इतना बोलता था और क्वेश्चन में तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी क्या था, मेरे को हर प्रकार से ये मेरे पास ट्रायंगल था क्या ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या था पी क्यू आर। अगर किसी बच्चे को भी शक हो तो ये समझो भाई उन्होंने बोला था कि ट्राइंगल का रेशो जो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल क्या है एरिया, वो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या वो चाहते थे कि भाई आप प्रूफ करके दिखाओ कि एरिया ट्राइंगल कितना एबीसी, एरिया ट्राइंगल कौन सा एबीसी अपॉन में एरिया ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर अपॉन में कितना पी एम का स्क्वायर। हमने क्वेश्चन वालों को बोला भाई देख हमको ये तो मालूम है कि जो पूरे ट्राइंगल का एरिया होता है वो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, बस हमको किसी भी प्रकार से ये प्रूफ करना था कि एबी अपॉन में कितना PQ is equal to क्या है AD upon में PM। तो हमने दो छोटे छोटे ट्राइंगल का सहारा लिया और इन छोटे छोटे ट्राइंगल में बोला कौन कौन से ट्राइंगल में ABD and triangle what PQM, हमने बोला भाई इसकी AB upon में उसकी क्या PQ is equal to इसकी आधी BC, आधी BC मतलब क्या BD इसकी आधी है कितना QM और इसका एंगल B is equal to इसका एंगल Q, तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसका मतलब इसकी AD और इसकी क्या PM, AB upon PQ के इक्वल हो गई क्या, हाँ AB upon में कितना PQ equal to what AD upon में PM। अगर एक बार वो हो गई तो काम हो गया अपना, क्या समझ में आ पाया। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाए समझते हैं और ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो अच्छे से। तो सर अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। आपको बोला है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ स्क्वायर एंड अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब ऑन अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अभी देखो सर पहले क्वेश्चन की हम धारणा समझ, आपको बोला भाई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, क्या बनाए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे, पहली बात तो एक बात इन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब बोल रहे हैं एक ट्रायंगल की साइड पे बना रहे, साइड कितनी की है स्क्वायर की क्या है साइड पे बना रहे, तो स्क्वायर की सारी साइड कितनी है ए ए ए, क्या बोल के रखा है प्रूव द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑन अ, क्योंकि सर आपने कहां बनाया है साइड पे, कहां बनाया है दूसरा क्या बनाया है डायगोनल, तो क्या ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, तो क्या ये स्क्वायर का डायगोनल, सर डायगोनल होगा कितना, मैंने बोला कि मुझसे पूछे ये डायगोनल कितना होगा तो मैं बताऊं क्या अपन बोल सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, अरे पाइथागोरस लगा के
तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2a का स्क्वायर, तो डायगोनल इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट टू ए, कितना हो गया, तो सर ये अगर रूट टू ए है तो क्या ये भी रूट टू ए होगा, क्या ये भी रूट टू ए होगा, क्यों, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ट्राइंगल क्या है, इसका मतलब इसके भी सारे एंगल कितने होंगे, 60 60 60, हाँ कि ना सर, थोड़ी सी बातचीत करें, थोड़ी सी नेमिंग वेमिंग देते हैं कहने पे, तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा अगर बच्चे अलाउ करें मुझे और सिस्टमेटिक अलाउ करें, तो एक ट्राइंगल का नाम दे दूंगा ए, इसको तो मन ए बी सी डी बोल देते, यहाँ पे इसको पी मान लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, क्यू, सही है यहाँ पर, तो क्या आप बोल सकते हो क्या देखते सही कि ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है क्या, ट्राइंगल एपीबी, अगर अपन देखें ट्राइंगल एपीबी सिमिलर हो सकता है ट्राइंगल एक्यूसी से, क्यों सिमिलर हो सकता है, अरे सारे ही तो एंगल इक्वल हैं, इसके सारे एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल ए कितना है इसका भी 60, हाँ कि ना, उसका एंगल पी, इसका एंगल क्यू क्या है 60, इसका एंगल बी इज इक्वल टू उसका एंगल सी क्या है 60, तो सर सारे एंगल ही क्या है इक्वल, तो ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर, क्यों दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो अगर तुम मुझसे पूछे एरिया ट्राइंगल, अगर मैं बात करूंगी ए पी बी अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू बोल सकता हूँ इसकी साइड क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर अपॉन में इसकी साइड क्या है ए सी, ए सी का स्क्वायर, अच्छा ए बी कितनी है, ए बी तो ए ही है ना बस, ए स्क्वायर, और नीचे वाली ए सी कितनी है, रूट टू ए का कितना होल स्क्वायर, तो अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो इज इक्वल टू ये हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, ये कितना आ जाएगा वन बाय, कितना आ जाएगा आपके पास, चेक कर लो अच्छे से और आराम से सिस्टमेटिक तरीके से देखें समझें और ध्यान दें, हो जाए तो फिर जवाब दें।